कैसे हो भाई लोग, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लेयर मूड के बारे में। रियल क्रिकेट 19 में मल्टीप्लेयर कैसे खेला जाता है, चलो दोस्त जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो पे एम रखते हैं 101 लाइक। जानता हूं तुम कर दोगे तो कर दो, काम पे लग जाओ तुम भी। सो मल्टीप्लेयर मूड खेले कैसे हैं दोस्तों, जब तुम मल्टीप्लेयर मूड में जाओगे, मल्टीप्लेयर खेलने जाओगे, तब तुम्हें तीन मूड मिलते ही होंगे, अनरैंक, रैंक और प्ले विद फ्रेंड्स। अनरैंक क्या है दोस्तों, इसमें तुम्हें पॉइंट जो है कम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर तुमने अनरैंक खेला तो तुम्हें देने पड़ेंगे 50 MPS। MPS क्या है दोस्तों, रियल क्रिकेट करेंसी, मल्टीप्लेयर करेंसी तुम इसको कह सकते हो। जब भी तुम मैच खेलोगे तब तुम्हें देना पड़ेगा, अगर तुम अनरैंक खेलोगे तब तुम्हें 50 देने पड़ेंगे, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 70 मिलेंगे, और अगर तुम हार गए तो 20 मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये गेम प्ले थोड़ा आसान होता है रैंक के मुकाबले। रैंक में थोड़ा सा मुश्किल होता है, मान लो ये मीडियम में तुम खेल रहे हो और रैंक जो खेलोगे वो हार्ड मोड में खेलोगे, तो थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा रैंक, और सब गेम प्ले एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं रैंक में। जब तुम रैंक खेलोगे दोस्तों, रैंक में तुम्हें एंट्री फी तो फ्री है, फ्री में तुम खेल सकते हो, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, मतलब MPS खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका जो गेम प्ले है थोड़ा सा मुश्किल होता है, और दोस्तों अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 50 मिलता है। रैंक खेलने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। अगर तुम रैंक खेलोगे तो एंट्री फी तो फ्री है, लेकिन दोस्तों अपना टीम भी तुम रैंक में बना सकते हो, क्रिएट योर ओन टीम, तुम अपना टीम बनाओ। लेकिन अपना दिक्कत यही है, अपना मनपसंद प्लेयर तुम पहले नहीं ले सकते। जी हाँ दोस्तों, पहले तुम्हें रैंडम प्लेयर मिलेगा अपने लेवल के हिसाब से। अगर तुम अभी एक गेम नया से स्टार्ट करोगे तो तुम अभी हो ब्रॉन्ज 5 में, तुम्हें जाना पड़ेगा प्लैटिनम 1 पे। जब तुम प्लैटिनम 1 पे चले जाओगे, नंबर 1 प्लैटिनम में चले जाओगे, तब तुम्हें बहुत बड़े बड़े प्लेयर मिलेंगे, लाइक विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, तब तुम इनको ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी के लिए जो प्लेयर मिलेगा उससे काम चलाना पड़ेगा दोस्तों, तो रैंक भी अच्छा है। और उसके बाद आता है प्ले विथ फ्रेंड्स दोस्तों, इसके लिए 25 लगेंगे MPS दोस्तों। अपने दोस्त को इन्वाइट करना है, उसके साथ खेलना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब इजी है, चलो जानते हैं रैंक मोड में खेलना कैसे है, कैसे अपना टीम बनाते हैं। सो जब तुम चले जाओगे क्रिएट योर टीम पे, तो दोस्तों पहले अपना टीम का नाम रखना है, क्या है तुम्हारा टीम का नाम तुम रख देना। मैं यहाँ पर गेम सेना रखता, लेकिन दोस्तों मेरा जो FB अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है फेसबुक का, तो मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो मैं यहाँ पर रखूंगा गेम पंती। सब्सक्राइब करो गेम पंती को, घंटे को जरूर दबाना दोस्तों। उसके बाद आता है टीम लोगो। टीम लोगो पे दोस्तों अपना मनपसंद लोगो रख दो, मैं यहाँ पर लास्ट वाला रखूंगा, लास्ट वाला मुझे ऑसम लगता है दोस्तों। तुम चाहे तो तुम कुछ भी अपना मनपसंद का रख लो। उसके बाद दोस्तों टीम किट आता है, इसमें तुम अपना जर्सी को चूज करना पड़ता है, और अपना मनपसंद जर्सी तुम यहां पर चूज कर सकते हो, तीनों ही अभी फ्री है दोस्तों। अब आता है दोस्तों जो दोस्तों स्टार्टर पैक, तुम्हें जो पहले रैंडम प्लेयर मिलेंगे वो दोस्तों तुम्हें मिल गए। 15 प्लेयर तुम्हें रैंडम मिलेंगे जो तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इनको छोड़ के, यही प्लेयर तुम्हें चाहिए दोस्तों मैच जीतने के लिए। अभी तुम ब्रोंज पे हो, जब तुम जाओगे बड़े लेवल पर, मतलब ब्रोंज के बाद आएगा सिल्वर, ऐसे जब तुम जाओगे तभी तुम्हें अच्छा अच्छा प्लेयर मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम हो स्टार्टर पैक पर, उसके बाद दोस्तों तुम्हें ब्रोंज पैक मिलेगा। ब्रोंज पैक के बाद धीरे धीरे जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें जर्सीज मिलेगी, बैट स्टिकर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दोस्तों, अच्छा अच्छा प्लेयर मिलेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें गेम जीतना है, और जीत के दिखाना है तुम हो सबसे नंबर 1। लास्ट में आता है दोस्तों प्लैटिनम पैक, जिसमें लेजेंड प्लेयर सब मिल जाएंगे। अब चलो जाते हैं आगे दोस्तों, और देखते हैं कैसे अपनी टीम को मैनेज करना है, कैसे तुम अपने प्लेइंग 11 रख सकते हो, कैसे तुम अपने कैप्टन रख सकते हो, और कैसे अपने टीम में जो प्लेयर तुम्हें नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो, कैसे करें दोस्तों। तो सबसे पहले जिसको कैप्टन रखना है उस पर क्लिक करो, और अपॉइंट कैप्टन पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैनेज 11 में जाना, और अपना जो 11 है उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों डिस्कार्ड जो आता है, जो प्लेयर तुम्हें नहीं चाहिए उसमें जाओ, डिस्कार्ड पे जाओ, और जो प्लेयर नहीं चाहिए क्लिक कर दो, वो भी चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलो गेम के बारे में बात करते हैं, कैसे गेम खेला जाता है दोस्तों। चलो जब तुम गेम स्टार्ट कर लोगे दोस्तों, लेफ्ट साइड में जिसका नाम आएगा, मान लो तुम्हारा नाम, जैसे यहाँ पर गेम पंती मेरा नाम आ गया है लेफ्ट साइड पे, मतलब मैं डिसाइड करूंगा कहाँ कौन सा स्टेडियम में खेलना है, कौन से पिच में खेलना है, और कब खेलना है, दिन में खेलना है, रात में खेलना है,
शाम को खेलना है, मैं डिसाइड करूंगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा ओपोनेंट का लेफ्ट साइड में आएगा तो वो डिसाइड करेगा कहाँ खेलना है, कब खेलना है, कौन से स्टेडियम में खेलना है, ठीक है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, देखो यहाँ पर मेरा दो ही स्टेडियम अनलॉक है, तीसरा अनलॉक नहीं है। मान लो तुम्हारे पास मेलबोर्न जो ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है वो अनलॉक है, लेकिन मेरा नहीं है, और अगर तुम सिलेक्ट करोगे मेलबोर्न तो नहीं होगा क्योंकि मेरे पास अनलॉक नहीं है, तुम्हारा अनलॉक है लेकिन मेरा नहीं है, तो तुम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये काफी जनों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि कैसे करे, तो दोस्तों नहीं होगा, अगर तुम्हारा ओपोनेंट के खुला नहीं है तो तुम भी नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं जीमेल से लॉग इन करता था, अब मेरा लेवल कम्प्लीट हो चुका था, 15 तक मैं चला गया था, लेकिन अब हुआ ये है दोस्तों, फेसबुक के साथ कनेक्ट करना पड़ा, तो शुरुआत से शुरुआत करेंगे हम लोग, कोई नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों देखो यहाँ पर एक चैट का फीचर आता है जो कि बहुत ही एवरेज फीचर है, क्विक चैट है दोस्तों, तो क्विक चैट में जाना और अपना अपना जो भी लिखना है वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। टीम अभी भी मैनेज कर सकते हो, उसके बाद जब हो जाए रेडी मार देना और गेम खेलना, तुम रेडी हो चुके हो। अगर तुम लेफ्ट साइड में हो दोस्तों तो टॉस तुम करोगे, ओपोनेंट का कॉल आएगा। अगर तुम लेफ्ट साइड में नहीं हो, ओपोनेंट टॉस उड़ाएगा, तुम कॉल करोगे, ये तुम जान लो। ये रेंडमली नहीं होता है, सिक्वेंसली होता है, तो कभी तुम्हें मौका मिलेगा, कभी उसको मौका मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों तुम जब गेम खेलने में रेडी हो चुके हो, इसके बाद तुम जैसे गेम खेलते हो वैसे गेम खेल लो, आराम से जीत जाना। अब दोस्तों दो तीन बात मैं कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंट बात। अगर तुम्हें फील्डिंग सेट करनी है तो तुम्हें एक ही मिनट का टाइम मिलेगा, एक मिनट के अंदर तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना फील्डिंग सेट करना है। अगर तुम एक मिनट के अंदर अपना फील्डिंग सेट नहीं कर पाए तो दोबारा से दोस्तों गेम वापस से चालू हो जाएगा और तुम्हारा फील्डिंग बिखर जाएगा, तो जल्दी जल्दी फील्डिंग सेट कर लेना। और दोस्तों अगर तुम एक मिनट से ज़्यादा गेम को पॉज किए या गेम से बाहर चले गए तो दोस्तों तुम आउट हो जाओगे, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और तुम्हारा ओपोनेंट जीत जाएगा। ये थी दोस्तों मल्टीप्लेयर कैसे खेले इसके बारे में ट्यूटोरियल। लेकिन दोस्तों बहुत जनों का फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा है, फेसबुक कैसे लॉगिन करें दोस्तों। देखो फेसबुक में जाना, फेसबुक को अपडेट करना। अगर फेसबुक अपडेट नहीं है, फेसबुक अपडेट हो गया फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो जाओ फेसबुक को डिलीट करो, उसके बाद फेसबुक लाइट को इंस्टॉल करो और वहां से ट्राई मार लो। अगर फिर भी नहीं हुआ तो जाना अकाउंट्स में, जाना फेसबुक के अकाउंट्स में जाना, अकाउंट्स में जाके पर्सनल सेटिंग, पहले फेसबुक में जाना, उसके बाद अकाउंट सेटिंग में जाना। अकाउंट सेटिंग में जाके दोस्तों ऐड ईमेल आईडी करना, वहां पर जब तुम ईमेल आईडी वेरीफाई कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आके फेसबुक लॉगिन कर लेना, तुम्हारा आराम से हो जाएगा फेसबुक लॉगिन। ये थी दोस्तों फेसबुक लॉगिन की इशू हो गई क्लियर, और तुम्हें जान लिया कि रियल क्रिकेट 19 में कैसे मल्टीप्लेयर मोड में हम खेल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एम करते हैं 101 लाइक। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।